सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सुमित रावत के द्वारा स्कूल पहुंचकर बच्चों के लिए पोषण और भोजन में अंतर समझाया गया। उन्होंने कहा कि भोजन सिर्फ भूख मिटा सकता है, लेकिन पोषण हमारे दिमाग और शरीर को तंदुरुस्त रखता है। बच्चों में पढ़ाई करने के लिए स्वास्थ्य दिमाग की ज़रूरत होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुमित रावत बोली, बच्चों में पोषण बहुत ज़रूरी होता है। भोजन में पोषण और पोषण में अंतर करना सभी बच्चों के लिए सिखाया गया। बच्चों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वहाँ के प्राचार्य दुबे जी मौजूद रहे एवं महेश तिवारी जी और अन्य सारे शिक्षक एवं स्टाफ सभी छात्र मौजूद रहे। तो इसका विषय ये था कि पोषण पे बात करी मैंने, बच्चों में पोषण बहुत जरूरी होता है और पोषण और भोजन में दोनों में अंतर करना मैंने बच्चों को सिखाने की कोशिश की, क्योंकि पोषण जो होता है वो हमारे शरीर के लिए जो जरूरी तत्व होते हैं वो हमें प्रदान करता है, जो कि हमारे दिमाग के विकास के लिए, जो कि पढ़ाई में बहुत जरूरी होता है दिमाग का विकास एवं शारीरिक विकास खेलकूद के लिए एवं हमारी जो ग्रोथ होती है, हमारी जो बच्चों में बाढ़ होती है उसके लिए जो पोषण जरूरी होता है, जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये सब चीज़ें। माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि अलग अलग विटामिन है, मिनरल है, विटामिन ए बी सी डी एवं मिनरल जैसे जिंक, कैल्शियम, आयरन, ये सब जो जरूरी होते हैं। तो इनके बारे में बताया गया कि हमको पोषण लेने की आवश्यकता होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अक्सर भोजन को पोषण समझने लगते हैं। भोजन जो होता है वो सिर्फ भूख मिटाता है, लेकिन आपके शरीर को आंतरिक रूप से मजबूत नहीं बनाता। पोषण जो होता है, अगर आप सही पोषण लेंगे तो आंतरिक रूप से आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। आप अनेक बीमारियां जैसे कि इन्फ्लुएंजा है, जैसे कि कोरोना है, इससे आप बहुत आसानी से लड़ पाएंगे, आप कम से कम बीमार पड़ेंगे। तो ये भी पोषण के गुण होते हैं। भोजन जो होता है वो हो सकता है कि आपकी भूख मिटा दे और आपको स्वाद में अच्छा लग सकता है, स्वादिष्ट लग सकता है, जैसे कि फास्ट फूड होता है, जैसे कि बर्गर है, पिज्ज़ा है, मैगी है, और आजकल जो तले हुए समोसे, भजिए, ये सब चीज़ें हैं आपको बाजार में मिल जाती हैं। इससे आपको भूख तो मिट सकती है और आपका जो है जो स्वाद की इच्छा है वो पूरी हो सकती है, परंतु आपके शरीर को पोषण नहीं मिलता और आपके शरीर में तंदुरुस्ती नहीं आती। तो यही जो है डिफरेंस बताने की मैंने छात्रों को कोशिश की। छात्र काफ़ी उत्सुक थे, उनके द्वारा बहुत सवाल पूछे गए इसको लेके, क्योंकि उनके मन में काफ़ी उत्सुकता थी और ये बहुत अच्छा अनुभव रहा, छात्रों ने इससे बहुत लाभ लिया, तो मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है।